प्रदेश की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, जिन्होंने नरसी मीठड़ी पर कई इल्जाम लगाए हैं। वो नरसी मीठड़ी जिन्होंने प्रिया सिंह मेघवाल को देश प्रदेश में उन्हें पहचान दिलाई और प्रिया सिंह मेघवाल ने उन पर आरोप लगाया, नरसी मीठड़ी ने मुझे चोरी की गाड़ी दी और दिल्ली पहलवानों के समर्थन में धरने पर वापस गाड़ी चोरी कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ चोरी के मुकदमे हैं और खुद की भांजी के साथ बलात्कार किया था। उसका मुकदमा है, समाज का दलाल है और इसके इशारों पर काम करता है एक एडवोकेट चंद्रभान नाईक, इसका साथी है, इसका सलाहकार है। उसके साथ बलात्कार का मुकदमा हुआ था, तब भी उसकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। ये दोनों समाज के दलाल हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है इन चोरों ने समाज को बेचने में। ये प्रिया सिंह मेघवाल का बयान है और प्रिया सिंह मेघवाल अब एक नरसी मीठड़ी जी ने एक वीडियो जारी कर वो तमाम घटना के बारे में बताए हैं। आइए जानते हैं वो वीडियो। नरसी मीठड़ी, नमस्कार दोस्तों। कल या परसों जो हमारी बहन प्रिया मेघवाल जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रही थी कि मेरे को गाड़ी गिफ्ट में दे दी और गाड़ी वापस ले ली, तो उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ गुड़गांव IDP सेक्टर 16 में पहुँचा हुआ हूँ। तो यहाँ पे वो गाड़ी है जो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, तो उसका काम चल रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको शुरू से बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रिया मेघवाल का प्रोग्राम करा के 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके मैंने जो गाड़ी दी थी, वो गाड़ी मैंने उनको दे दी थी और उनके 3-4 महीने उन्होंने रखी। फिर उन्होंने मुझे बार बार फ़ोन करके कहा कि ये गाड़ी मेरे लिए अशुभ है, मेरे को ये गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को ये गाड़ी आप बदला के दो। कम से कम मेरे पास 100 फ़ोन किए, तब मैंने जाके वो गाड़ी वहाँ से वापस लेके मैं गाड़ी राजगढ़ लेके आया था। और फिर 5 या 10 दिन बाद प्रिया जी ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि चंद्रशेखर भाई जंतर मंतर धरने पे पहुँचे हुए हैं, चलो आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे, और मैं भी इधर से आ रही हूँ। तब मैं वो गाड़ी वहाँ राजगढ़ से लेके दिल्ली आया था। दिल्ली में हम चंद्रशेखर भाई से मिले थे, उनकी मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं, वीडियो भी हैं। और फिर हम रात को लगभग 1-1.30 बजे खाना खा के वहाँ से निकले। निकलते ही प्रिया जी ने कहा मैं बस में जा रही हूँ, तो वो तो बस में निकल गई। हम गाड़ी लेके, मैं, मेरे साथ राजेंद्र, मेरा गनमैन फौजी और एक नरेश जो मेरे गांव का लड़का है, एक कन्हैयालाल मेरे गांव का लड़का है, हम वहाँ यहाँ से निकल गए थे गाड़ी लेके। जो ही हम बहल के पास पहुँचे तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे ड्राइवर की आँख लग गई थी, जिसमें मेरे साथी राजेंद्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं, हॉस्पिटल की फुटेज हैं, मैं वो भी आपको दूंगा। और मेरे जो गनमैन फौजी है उसके घुटने पे चोट आई थी। उसके बाद हमने क्रेन की गाड़ी जोड़ के यहाँ ओंडाई, ये जो एजेंसी दिख रही है, हमने ये सोचा कि अगर वहाँ पे हम काम करवाएंगे तो इस गाड़ी के पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो इस ये सोचकर हमने ये गाड़ी यहाँ गुड़गांव में भेज दी, क्या पता जल्दी गाड़ी का काम हो जाए। तो अब गाड़ी यहाँ पे जब आके खड़ी हुई, तो यहाँ पे मिस्त्रियों ने और जो एजेंसी के अंदर जो इंजीनियर बैठे हैं, उन्होंने ये बताया कि गाड़ी टोटल लॉस में है, गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, तो गाड़ी का काम तो हो नहीं सकता, आप ये गाड़ी जमा करवा दो। गाड़ी का सर्विस चल रहा है, और जैसे ही इस गाड़ी की कीमत आपको मिलती है 10 लाख रुपये या 12 लाख रुपये, तो हम आपके अकाउंट में वो 10-12 या जो भी मिलेगा गाड़ी के, 10 लाख मिलेंगे, 12 लाख मिलेंगे, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो गाड़ी की सर्विस चल रही है, जैसे ही उस गाड़ी का पेमेंट आता है, तो हमने बहन जी को मना नहीं किया था, हमने ये कह दिया था जैसे ही गाड़ी का पेमेंट आएगा हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, आप आके पेमेंट ले जाना, या हम आपके पास जयपुर पेमेंट देने आपको पहुँच जाएंगे। तो बहन जी से रहा नहीं गया, दूसरों की बातों में आ गई और हमारे ऊपर अनेक तरह के एलिगेशन लगाए। तो उनका जवाब देने के लिए स्पेशल मैं यहाँ हुंडई एजेंसी में पहुँचा हुआ हूँ। और दो नंबर बात, अब मैं उनको उनके तो एक नंबर पहले मैं ये बता देता हूँ कि बहन जी ने हमारे ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, हमने उनको बहन माना है, हमने 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके उनका मान सम्मान किया है, और हम उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहते। हम आज भी ये कहते हैं कि बहन जी, और बहन जी का जो प्रोग्राम करवाया था मैंने, बहन जी के प्रोग्राम में लगभग 5 लाख रुपये लगे थे गाड़ी के अलावा, और मैं बहन जी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं आज भी बहन जी के लिए दुआ करता हूँ कि वो आगे बढ़ें, राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें खेलों में। वो हमारी उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बहन जी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम, बहुत गलत इल्ज़ाम लगाया है। दो नंबर बात मैं उन बड़ों के लिए बता देना चाहता हूँ जो कल परसों से फेसबुक पे लगे हुए हैं, ऐसे है, वैसे है, ये कर दिया, वो कर दिया। स्पेशल नांगड़ी परिवार के लिए बता देना चाहता हूँ, आपका जीजा जी जो श्याम सुंदर गागड़वास राजगढ़ में खुली सभा करता है, खुले मंच से आपके खिलाफ़ बोलता है, और आपको यहाँ तक कि कहता है कि सबका हिसाब करूँगा,
आप लोग उसका बाढ़ तक पाड़ नहीं सकते। मैं एक ऐसी समाज का लड़का हूं, आप राजनीति करता हूं, राजनीति में आगे बढ़ गया, आप लोगों को बहुत जलन हो रही है। और आप आपको मैं ये भी कह देना चाहता हूं, आप मेरा भी एक बाढ़ नहीं पाड़ सकते। और अगर आप में हिम्मत है तो श्याम सुंदर गागड़वास जो खुली सभा कर रहा है, जिसने वीरेंद्र न्यांगड़ी को दिन दहाड़े शीतला बाजार में गोली मार के हत्या कर दी थी, उसका बदला लो पहले आप, फिर मेरे से टकराना। और एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरा बाल भी नहीं पाट सकते, मैं यूं ही राजनीति करता रहूँगा, मेरे समाज मेरे साथ है। आपकी फेसबुक आईडी पे ये जो फेसबुक पे पोस्ट अपलोड कर रहे हो, इससे मेरे समाज को और मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम बहुत ही जल्द राजगढ़ और चुरू में बड़ी सभाएँ करेंगे, और उनमें आप देख लेना कि हमारे फैन फॉलोइंग कम हुई है या बढ़ी है। न्यांगड़ी परिवार की जो आईडी चल रही है, न्यांगड़ी परिवार, नेपू सिंह न्यांगड़ी, मनोज न्यांगड़ी, जो भी चल रही है, आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, मेरे ऊपर आपकी बातों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ आपको, मंदिर जाके वो गाड़ी भी दिखाऊंगा, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंद। अब मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, एजेंसी के अंदर गाड़ियाँ जो गाड़ियों का काम चल रहा है, आपको मैं वो गाड़ी दिखाता हूँ। ये इस एजेंसी का घाटी हो गई, दूसरा चालू करें, चालू है, मैं क्या नहीं करता। ये इस एजेंसी का दूसरा पार्ट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हैं, आपको मैं मेरी गाड़ी दिखाता हूँ। गाड़ी है जो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, एजेंसी ने ये कहा है कि इसका काम नहीं हो सकता, इसका पेमेंट मिलेगा आपको, 10 लाख रुपए मिलते हैं, 12 लाख रुपए मिलते हैं, 15 या 16 दिन का नाम लिया है हमें, 10-15 दिनों में जैसे इसका पेमेंट मिलता है हम बहन जी को देने के लिए तैयार हैं, हम किसी प्रकार का उनके साथ धोखा नहीं कर रहे। जय भीम, जय भारत।